बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बल्कि कल ही एक जो लीक्स हैं, फाइनेंशियल लीक्स जो हैं, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं जिसे पेंडोरा पेपर्स कह रहे हैं। और इन पेंडोरा पेपर्स में आखिर क्या है, किस किस के नाम हैं, पेंडोरा पेपर्स हैं क्या, और इसके अलावा ये कि ऑफशोर एसेट्स और अकाउंट्स होते क्या हैं और ये ऑफशोर कंपनीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में आज के प्रोग्राम में आपको बताएँगे। तो सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बताऊँ कि किसी भी मुल्क में दो तरह की आबादी होती है। एक तो होते हैं बहुत ऑर्डिनरी लोग, यानी आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कह लें, और एक होते हैं एलीट क्लास यानी अशरफिया। अब एलीट क्लास के अंदर आते हैं आपके किंग्स, बिलियनियर्स और वो लोग जिनके पास जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ऑर्डिनरी लोग वो होते हैं जिनके पास पैसे जो हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, अब होता यहाँ पर है कि जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं ना, क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती और वो डरते हैं, और दूसरा ये कि वो उनसे लॉ जो है और जो भी रेगुलेशंस हैं उन्हें पूरा करवा लिया जाता है, क्योंकि वो उस लेवल पर जो है उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते जिस लेवल पर एक एलीट जो है लॉज या रेगुलेशंस को रेजिस्ट कर सकता है। तो जो एक ऑर्डिनरी इंसान है वो टैक्सेस जो है उनको पे कर लेता है, और जो एक एलीट क्लास का इंसान है वो उन टैक्सेस को जो है, क्योंकि उसके पास जितना आपके पास अमाउंट होगी, जितने आपके पास पैसे होंगे, उतने ही आपकी उस अमाउंट के ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो ऑर्डिनरी इंसान है वो उन टैक्सेस को लीगली पे कर देता है, और जो अशरफिया है वो उन्हें ऑफशोर अकाउंट्स के थ्रू जो है टैक्सेशन को जो है वो अवॉइड करती है। ठीक हो गया, अब बात करते हैं ऑफशोर अकाउंट्स की। बेसिकली जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये उन लोगों के इन पेपर्स में उन लोगों के नाम हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड ऑफशोर कंपनीज़ हैं, और उन ऑफशोर कंपनीज़ में उनके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं, पैसे हैं, और जिन्हें जो है वो ऑन एयर किया गया है जर्नलिस्ट के एक ग्रुप के थ्रू। और इस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक इंसान की का डाटा बेस निकालना, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना और ये पता लगाना कि इसकी कितनी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान से 700 लोग शामिल हैं, और कुछ के तो नाम आप न्यूज़ में देख ही चुके हैं, जिनमें शौकत तरीन, मोहनस इलाही और इस तरह के काफ़ी नाम हैं वो आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ऑफशोर कंपनी होती क्या है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान है जो बहुत ही एलीट क्लास से बिलोंग करता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर की किसी कंट्री के किसी वेल्थ मैनेजर से बात करेगा, और वो वेल्थ मैनेजर उसे एक ऑफशोर कंपनी जो है वो अलॉट कर देगा। ऑफशोर कंपनी जो होती है ना, वो उस इंसान के नाम पर नहीं होगी, वो ऑफशोर कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो फर्जी होंगे, फिक्शन होंगी, और वो रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो किसी और के नाम के ऊपर वो कंपनी जो है वो बनी होगी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो पैसा होगा, उसके थ्रू जो बैंक अकाउंट खुलेगा, वो उस शख्स का होगा जिसने वो कंपनी खुलवाई है, वो उसके नाम पर नहीं होगी। अच्छा, अब ऑफशोर कंपनी जो है वो खोली क्यों जाती है? ऑफशोर कंपनी जो है वो इसलिए खोली जाती है ताकि जो टैक्सेस हैं उन्हें ना देना पड़े, मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके, और इसी के अलावा जो दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो पैसे से रिलेटेड होती हैं वो की जा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ज़रूरी नहीं है कि पेंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स और जितना भी विकीलीक्स और इस तरह के फाइनेंशियल सीक्रेट्स की जो लीकेजेस होते हैं, इनके अंदर जितने भी लोग शामिल हैं वो क्रिमिनल्स ही हैं। कुछ लोगों के पास लॉजिकल और वैलिड रीज़न हो सकती है अपने एसेट्स को हाइड करने की, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने एसेट्स को इसीलिए हाइड करते हैं ताकि उन्हें टैक्सेस जो हैं वो ना देने पड़े। तो ऑफशोर कंपनीज़ बेसिकली होती हैं नो टैक्स जोन, यानी आपको यहाँ पर टैक्सेस जो हैं वो नहीं देने पड़ते, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी कोई दूसरी लग्जूरियस चीज़ें हों, उनके ऊपर टैक्सेस आपको नहीं देने पड़ते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे एलीट क्लास है, उन्होंने अगर अपनी ऑफशोर कंपनीज़ बना ली हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि इन ऑफशोर कंपनीज़ को जो है वो ऑन एयर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ नाम जो है वो इन ऑफशोर कंपनीज़ में आए हैं फ़लाँ फ़लाँ कंट्रीज़ के। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो उसकी टारगेट ऑडियंस होती है वो बेसिकली एक वोटर होता है, एक सिटीज़न होता है, क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं वो हर एक इंसान जो है वो पे कर रहा होता है आपकी कंट्री के अंदर, और वो बाद में आपकी गवर्नमेंट के पास जा रहे होते हैं। तो अगर आपकी गवर्नमेंट में से इस तरह के लोग निकल आते हैं जो उन जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे और वो अपने एसेट्स जो हैं उन्होंने बाहर की ऑफशोर कंपनीज़ में हाइड किए हुए हैं, तो वो वोटर जो है वो एक सोच समझ के जो है अपना फैसला आने वाले सालों के लिए ले सकता है कि उसे किसे इलेक्ट करना है गवर्नमेंट में रूल करने के लिए और किसे इलेक्ट नहीं करना। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और हमारी पुरानी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।